हेलो दोस्तों, चलिए थाल पोस्ट बनाएंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बनाने के लिए देखिए, 4 नंबर क्रोशिया लिए हैं, 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बना रहे हैं। वाइट कलर का है, हम पूरा वाइट कलर से ही बनाएंगे। आप चाहिए तो इसमें कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने पसंद से कलर ले सकते हैं। तो डिजाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो बना लेते हैं। बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे। नॉट लगा के 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। फर्स्ट उनमें ले के हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद 1 2 3 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो 1 1 2 हो गया, 3 4 पांच ऐसे बना लेंगे। तो 16 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया, यानी 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। पहले वाले में ले के हम ऐसे जॉइंट करेंगे और यहीं पे हम फिर से 1 2 3 चेन फंदे लेंगे, सेम जगह पे ही ऐसे एक बार क्रोशिया चलाएंगे, यानी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऊपर रखेंगे, पूरे केक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। यहाँ पर अब हम 1 2 3 4 1 5 5 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे और यहाँ पर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, एक छोड़ देंगे, दूसरे वाले में हम बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर फिर एक बार क्रोशिया ऐसे चलाएंगे, फंदे लेंगे, फिर से एक बार ऐसे क्रोशिया चलाएंगे, पूरी केक में से निकालेंगे, बांधेंगे। देखिए, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन फंदे लेंगे, फिर यहाँ छोड़ेंगे, इसके नेक्स्ट में बनाएंगे। एक छोड़ छोड़ के हमें बनाना है, एक जगह नहीं बनाना है, दूसरी जगह पर बनाना है ऐसे, यानी दो दो डबल क्रोशे गैप कर करके हमें बनाना है। पूरा 16 है तो ये 8 जगह बनेगा ऐसा पूरा पूरा ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पे स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो बना के कंप्लीट कर लेंगे, 5 5 चेन करेंगे, ऐसा बना लेंगे हम। तो देखिए, हमने पूरा 8 जगह ये बना लिया, 5 5 चेन मिडिल में कर लिए हैं। अब पहले वाले में ले के हम जॉइंट करेंगे और उसके बाद जो ये चेन बनाए हैं इसमें हमें बनाना है बांध के 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, 1 1 2 3 4 5 6 6 हमने ये बना लिया, यानी 6 डबल क्रोशे बना लिया। एक चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशे यहाँ भी बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। जितना ये 5 5 चेन के बनाए हैं सब में हम 6 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक से दूसरे जाने में हम 1 1 चेन कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमने ऐसे कंप्लीट किया, पूरे में 6 6 डबल क्रोशे, यानी 6 6 डबल क्रोशे बना लिया है, 1 1 चेन कर लिए हैं। फिर फर्स्ट वन में लेके ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर और सेम जगह पे 1 2 3 3 चेन फंदे लेंगे और यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 1 2 हो गया और उसके नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक बनाएंगे, 3, फिर उसके नेक्स्ट में सेम जहाँ बनाए हैं उसी के ऊपर हमें बनाना है ऐसे, 4, फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ पर 1 5, फिर उसके ऊपर 1 6 6 यहाँ तक बना लिए, फिर ये लास्ट है इस पर हमें 2 बना लेना है, इसके ऊपर हमें 7 1 8 यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाए, यहाँ पर 6 बनाए, यहाँ पर 8 बना लिए हम। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर पहले वाले में हम 2 बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर उसके बाद से यहाँ पर 1 1 ऐसे बनाएंगे,
तो पूरा 8 बनाएंगे इस पर भी, फिर एक चेन करेंगे, फिर इस पर भी 8 बनाएंगे, 8-8 बना के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर सेम यहाँ पहले वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर 2 बनाएंगे पूरे पे, फिर 1-1 बनाएंगे जैसे बनाए, फिर लास्ट में 2 बनाएंगे एक बार, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, उसके बाद 10 बनाना है, तो कंप्लीट कर ले रहे हैं दूसरा राउंड भी। तो देखिए हमने 6, 8 और 10, 6, 8, 10 इस पर बना लिया, 2-2 बढ़ा के यहाँ पर बनाए हैं। अब उसके बाद से हम यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं, इसमें पहले वाले में ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम 1, 2, 3 चेन और लाइन से जितना है सब पर हम 1-1 बना लेंगे, यानी 10 है तो हमें इस पर हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेना है पूरे पे, ऐसे पूरे जितना है सबके ऊपर 1-1 ऐसे बना लेंगे तो 10 हो जाएगा ऐसे। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, एक लास्ट में यहाँ पर बना लेंगे तो 10, 10 हो गया। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। अब हम इधर एक चेन कर रहे थे, यहाँ पर अब हम 2 चेन कर लेंगे, ऐसे फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले से फिर हम यहाँ से पूरा 10 बना लेंगे लाइन से 1-1 पूरे पे, फिर यहाँ से एक से दूसरे जाने में 2 चेन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 चेन करना है और 10 बनाए हैं, 10 के ऊपर हमें 10 बना लेना है, कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए पूरा हम 10-10 ऐसे बना लिए, यानी 10-10 पूरा बना लिए हैं। अब इसके बाद से अब यहाँ से हमें घटाना है, तो फिर पहले वाले में ले के ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से दूसरे वाले पे ऐसे चले जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर हम 1, 2, 3 चेन फंदे लेंगे, फिर पूरे के ऊपर ऐसे 1-1 बनाएंगे हमें। देखिए यहाँ पर ये छोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पर 1, 1, 2, फिर यहाँ पर 1, 3, यहाँ 4, उसके नेक्स्ट में 5, 6, 7, 1 यहाँ पर 8, हम 8 बना लेंगे। यहाँ पर दोनों साइड से 1-1 छोड़ देंगे, 8 बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और ये जो बनाए हैं 2 चेन का इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीन डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये पहला छोड़ देंगे, यहाँ से फिर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, फिर यहाँ तक हम 8 बना लेंगे, फिर 8 बना लिए, फिर 2 चेन करेंगे, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे और फिर ये पहला छोड़ के दूसरे वाले पर से ऐसे हमें बनाना है, फिर 8 बनाएंगे, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2-2 चेन दोनों साइड होगा और 8-8 डबल क्रोशिया ऐसे बनेगा, 1-1 दोनों साइड छोड़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट किए, 8-8 डबल क्रोशिया, 8-8 डबल क्रोशिया पूरे में ऐसे बना लिए हैं, 1-1 दोनों साइड ऐसे छूट गया है और बीच में ये 3 डबल क्रोशिया का बनाया है, दोनों साइड 1-1 चेन, 2-2 चेन कर लिए हैं ऐसे। अब यहाँ पर आ गया बना के फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर पहले 1, 2, 3 तीन डबल क्रोशिया बना के 2 चेन करेंगे, फिर पहले वाले में लेके यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे देखिए, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे चले जाएंगे, फिर यहाँ का पहला छोड़ेंगे या लास्ट छोड़ेंगे, बीच में हमें बनाना है 3 चेन करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बीच वाले जगह पे पूरे पे बना लेंगे ऐसे, 1-1-2 हो गया, 3, 4, 5, 6 6 जगह हम बना लेंगे ऐसे, 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1-2
तीन, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर भी एक दो तीन, देखिए फिर दो चेन करेंगे और फिर ये पहला छोड़ देंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे तो फिर लाइन से सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें और इसमें दोनों में ऐसे तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में दो दो चेन करेंगे, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आएंगे तो फिर पहला और ये लास्ट छोड़ेंगे, बीच में चार पे बना लेंगे फिर, और उसके बाद से फिर ये तीन में बनेगा, ये बढ़ते क्रम में बढ़ते जाएगा, एक दो तीन ऐसे बढ़ेगा और ये घटते जाएगा, तो इसके बाद से चार बनेगा, चार के बाद से दो बनेगा, तो हम ये दो लाइन बना कर कंप्लीट कर ले रहे हैं। और तो देखिए हमने ये घटते क्रम में दो तक बना लिया पूरा, ये एक दो तीन चार, चार लाइन ऐसे बना है और ये घटते गया है पूरा। देखिए यहाँ पर छः, फिर यहाँ आठ, फिर यहाँ दस, फिर यहाँ दस बनाए थे, फिर उसके बाद से ये उसके बाद आठ छः चार दो, यहाँ कम करते गए हैं, दो दो घटाते गए हैं, एक एक दोनों साइड से कंप्लीट किए। पहले वाले में ले के हम ऐसे दो चेन करके पहले वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब उसके बाद से हम ऐसे फ्लैट स्टिच से ये दो चेन किए हैं इसमें ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर एक दो तीन चेन करेंगे, फंदे लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक एक दो एक तीन, दो चेन, फिर नेक्स्ट वाले में जो चेन बनाए हैं सब में हमें ऐसे तीन तीन डबल क्रोशे बनाना है, देखिए फिर दो चेन, फिर यहाँ पर भी एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, फिर दो चेन। अब यहाँ पर जो ये दो डबल क्रोशे बनाए हैं इसके इस साइड हमें दो ऐसे बना लेना है, एक तीन, देखिए और इधर तीन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंदे लेके फिर इस साइड भी तीन बना लेंगे ऐसे, एक दो तीन, देखिए यहाँ पर हमें चेन नहीं करना है, इधर दो दो चेन किए हैं, यहाँ पर हम चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेंगे, फिर दो चेन करेंगे, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, एक दो तीन। देखिए आप लोगों को कम लगे तो आप लोग दो चेन करके यहाँ पर भी बना सकते हैं, फिर ऐसे दो चेन, फिर यहाँ, तो ऐसे बनाते हुए राउंड में पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए, बीच में हमारा देखिए इसके बीच में यहाँ पर फाइव जगह तीन तीन डबल क्रोशिया बना, और यहाँ पर ये दो बनाए हैं, इसके बीच में हम चेन नहीं किए हैं, बाकी सब में दो दो चेन किए हैं। तो देखिए यहाँ पर बना के आ गए हैं, इसके सामने यहाँ पर चेन नहीं किए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चेन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट पहले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद से हम ऐसे फ्लैट स्टिच से ये चेन बनाए हैं इसके बीच में ऐसे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आके। अब यहाँ पर फिर हम एक दो तीन चेन और डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम, एक एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट वाले में भी एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर उसके नेक्स्ट में भी एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर ये चेन बनाए हैं इधर यहाँ पर। हम लाइन से चार जगह हम तीन तीन डबल क्रोशिया का बना लेंगे, देखिए चार जगह ये बना लिए, यहाँ से जितना ये चार जगह खाली है बीच में इसमें बना लिए। अब यहाँ पर दो चेन करेंगे और डबल फंदे लेंगे, डबल फंदे लेके ये बनाए हैं जो दो बनाए हैं दोनों साइड के बीच में जो जगह है, यहाँ पर हमें ऐसे त्रिबुल क्रोशिया बनाना है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, हम
इसमें पांच त्रिबुल क्रोशिया बना लिए, देखिए 5 त्रिबुल क्रोशिया बना लिए। फिर दो चेन करेंगे और यहाँ पर ये दो चेन का है इसमें बनाएंगे हम, एक दो तीन, फिर इधर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर जो दूसरा वाला है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ ऐसे बनेगा, दो दो चेन का जहाँ है वहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे यहाँ तक दो तीन, देखिए 4 जगह हम बना लिए, यहाँ पर 5 डबल त्रिबुल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में हम 4 जगह बना लिए, 3-3 डबल क्रोशिया और बीच में दो दो चेन। फिर यहाँ पर हम देखिए यहाँ आ गए, ये दोनों बनाए हैं इसके बीच में, यहाँ पर अब दो चेन करेंगे, फिर सेम चीज़ें डबल फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 5 त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए फिर दो चेन और फिर इसमें बनाएंगे और फिर इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 5 त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे, जितना ये है ये फ्लावर के ऊपर वाला जगह यहाँ पर 5-5 त्रिबुल क्रोशिया बनेगा और ये बीच में डबल क्रोशिया बनेगा, तो कंप्लीट करेंगे तो ये राउंड हमने कंप्लीट किया। ये देखिए इसके सामने हम 5-5 त्रिबुल क्रोशिया पूरे पे बना लिए हैं, बाकी इसके बाद से ये 4 जगह बना है डबल क्रोशिया 3-3 ऐसे। अब यहाँ पर दो चेन कर लिए, फिर पहले वाले में लेके हम ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से फिर फ्लैट स्टिच से हम ऐसे ये दो चेन किए हैं इसमें फिर से आ जाएंगे और यहाँ पर फिर 1-2-3 चेन और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से। अब यहाँ पर 4 बनाए थे, अब यहाँ पर 3 जगह बनेगा, ऐसे दो चेन फिर यहाँ पर बन जाएगा, 2-1-3 डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और फिर यहाँ पर 1-2-3, देखिए यहाँ तक हम 3-3 डबल क्रोशिया 3 जगह बना लिए ऐसे। अब यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, इस साइड और इस साइड नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये नहीं बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे और डायरेक्ट हम ये जो बनाए हैं 5 त्रिबुल क्रोशिया इस पे हमें बनाना है, ये पहले वाले पे ऐसे जाके यहाँ पर फिर से त्रिबुल क्रोशिया ही बनाना है, डबल फंदे लेंगे और ऐसे एक एक पास हमें 2 त्रिबुल क्रोशिया बनाना है, फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक पास हम 2 त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फिर उसके नेक्स्ट में 2 त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे, एक पास हम 2-2 त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, तो पूरा देखिए 2-4-6 बना, फिर यहाँ पर 1-7 ऐसे 2-4-6-8 हो गया डबल फंदे, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे तो ऐसे 1 और 1 बनाएंगे 2, तो यहाँ पर 8 त्रिबुल क्रोशिया हो गया, फिर दो चेन करेंगे डबल फंदे और इसके बगल वाला ये छोड़ देंगे, जैसे इधर हम नहीं बनाए यहाँ पर सेम ऐसे यहाँ पर भी नहीं बनाएंगे और हम फंदे लेके और यहाँ से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, देखिए 1-2-3 फिर दो चेन, फिर इसके नेक्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे डबल क्रोशिया के सामने और बस हमें यहाँ पर त्रिबुल क्रोशिया बनाना है, देखिए फिर दो चेन, फिर इसमें फिर दो चेन करेंगे और ये देखिए फिर ये छोड़ देंगे, फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 2 यहाँ ये 5 है, इसके ऊपर 10 बनेगा, ये और ये दोनों साइड छूट जाएगा, जैसे इधर हम छोड़ के बनाए सेम ऐसे बनेगा, ये 5 है नीचे ऊपर 10 बना,
तो सेम पूरे के ऊपर हमें ऐसे टेन टेन बना लेना है, कंप्लीट करते हैं। तो हमने ये कंप्लीट किया, ये फाई के बाद यहाँ पर टेन बना लिए, पूरा राउंड में कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वाले में लेके हम ज्वाइंट किए हैं, फिर फ्लैट स्टिच से यहाँ आके फिर ऐसे बनाए हैं, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया बना लिए, दो चेन कर लिए हैं। अब यहाँ पर दो बनेगा देखिए, और इधर का दोनों साइड का छूटेगा, हर एक में जितने लाइन हम लोग बनाते उतने में। तो यहाँ पर दो हो गया। अब यहाँ पर फिर डबल फंदे लेंगे, इधर डबल क्रोशिया बनाना है, इस पर हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। ये पहले वाले पे लेके हम एक बना लेंगे ऐसे ट्रिपल क्रोशिया देखिए, और उसके बाद से फिर हम डबल फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ पर हम एक पास दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे लेके, एक पास दो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे देखिए, फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट में दो बनाएंगे, एक जगह दो बनाएंगे, एक जगह एक बनाएंगे, ऐसे बनाना है हमें। अब यहाँ पर दो बना लिए, फिर डबल फंदे, उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ पर दो बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में दो बनाएंगे, फिर एक, और उसके बाद यहाँ लास्ट में यहाँ पर दो बना लेंगे। देखिए तो इस पे पूरा 15 बनेगा, यानी 15 बनेगा पूरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा 15 इस पे बना। यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, 5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसमें, तो ऐसे 15 बन गया। अब उसके बाद से फिर हम यहाँ पर दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, और फिर ये मिडिल है इसमें हम पहले वाले में देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पर तीन बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम तीन डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर दो चेन करेंगे, डबल फंदे, फिर पहले वाले पे यहाँ पे पहले वाले पे एक बनाएंगे हम शुरुआत में, और उसके बाद से दो, फिर एक दो, एक दो करते करते यहाँ तक बनाएंगे हम पूरा 15 इस पे बनाएंगे, 15 बना लेंगे ऐसे। तो ऐसे बनाते हुए पूरे में हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये कंप्लीट किया लाइन पूरा 15 15 ऐसे, यानी 15 15 ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बनाए हैं, बीच में दो जगह ये दो दो ऐसे बनाए हैं, तीन तीन डबल क्रोशिया, और दो दो चेन मिडिल में किए हैं। फिर यहाँ आके पहले और हम देखिए ये ज्वाइंट कर लिए, फिर तीन बना लिए डबल क्रोशिया, फिर दो चेन कर लिए हैं। अब हम फिर ऐसे डबल फंदे लेंगे, और ये पहला छोड़ के यहाँ पर हमें बनाना है ऐसे, इसमें ऐसे डायरेक्ट हम ऐसे 1 2 3 डबल फंदे, फिर से 1 2 3 फिर डबल फंदे, यहाँ पर हम तीन ट्रिपल क्रोशिया पहले ऐसे बना लेंगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 थ्री चेन करेंगे, फिर डबल फंदे, सेम जगह पे फिर से हम तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1 2 3 देखिए तीन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे इसके बाद वाले पे, यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे देखिए यहाँ पर, उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें हम बनाएंगे ये पहला फिर छोड़ के, और उसके बाद यहाँ पर फिर से बनाएंगे ऐसे 1 2 3 तीन फिर बना लिए, फिर यहाँ पर हम 1 2 3 थ्री चेन कर लेंगे डबल फंदे, फिर सेम जगह पर तीन ट्रिपल क्रोशिया फिर बना लेंगे 1 2 3
देखिए, फिर ये ऐसे यहाँ पर नहीं ज्वाइंट करेंगे, इसके बाद ये दो छोड़ देंगे, यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ ज्वाइंट किए, इसके बगल वाले में हम बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चेन डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ है, एक दो तीन, फिर ये यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, डबल फंदे, फिर जहाँ ज्वाइंट किए उसके नेक्स्ट वाले से बनाएंगे, उसके बगल वाले से हम बनाएंगे ऐसे, फिर से तीन त्रिबुल क्रोशे बना लेंगे, एक एक दो और एक बनाएंगे तीन, फिर एक दो तीन चेन डबल फंदे, फिर से हम तीन त्रिबुल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे, फिर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ये ऐसे, ये छोड़ के यहाँ पर ऐसे, फिर डबल फंदे, और फिर जहाँ ज्वाइंट किए उसके बगल में यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे त्रिबुल क्रोशे, ऐसे तीन पहले बना लेंगे, उसके बाद से एक दो तीन चेन डबल फंदे, फिर तीन बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए पूरा इसमें हम पांच बनाए हैं पूरा। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच फ्लावर ऐसे बना लिए। देखिए पहले वाले के बगल में बनाए हैं, उसके बाद से फिर ये तीन छोड़ के यहाँ पर बना है। देखिए पहले में बनाए हैं, फिर ये बीच वाला छोड़ के उसके बगल में ऐसे ज्वाइंट किए हैं, फिर उसके बगल में बनाए हैं, यानी तीन तीन के गैप पे हम पूरा पूरा ये बनाए हैं फ्लावर, 15 है पूरा। तो ऐसे बना है, एक में बनाना है, एक छोड़ के उसके बगल वाले में ज्वाइंट करना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में बनाना है, फिर उस ये एक छोड़ेंगे यहाँ पर, उसके बगल में ज्वाइंट करेंगे, यानी यह दो त्रिबुल क्रोशिया छोड़ के ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके बगल में एक छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर ऐसे ही दो छोड़ के यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस पर पाँच पूरा फ्लावर ऐसे बैठा। अब यहाँ पर दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ बनाना है यहाँ पर। अब दो के बाद से यहाँ पर एक बनेगा डबल क्रोशिया वाला, एक जगह बन जाएगा यहाँ पर, तीन डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। तो देखिए ये ऐसे पूरा एक यहाँ तक बना। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच हुआ, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक बन रहा है ऐसे यहाँ पर, फिर दो चेन डबल फंदे, फिर सेम चीज़ है यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लावर। हम ऐसे पहले तीन बना लेंगे त्रिबुल क्रोशिया, और उसके बाद से तीन चेन डबल फंदे, फिर तीन त्रिबुल क्रोशिया, और उसके बाद से देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाले में ज्वाइंट करेंगे, यानी ये दो त्रिबुल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है हमें। अब फिर डबल फंदे लेंगे, और फिर यहाँ ज्वाइंट किए उसके नेक्स्ट वाले में, ये यहाँ पर जहाँ ज्वाइंट किए वहाँ पर नहीं, उसके बगल में हमें फिर से बनाना है। देखिए फिर इसमें बनाएंगे, फिर यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, यानी ये दोनों छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो ऐसा बनेगा पूरा, और ये एक एक बनते जाएगा पूरे में। तो बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है पूरा पूरा। तो ये डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।